आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा निकाली गई 500 ट्रैक्टरों की रैली। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 कृषि कानून लागू करने के बाद से ही किसानों द्वारा इसको काला कानून बताकर लगातार प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। वहीं किसानों को नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कृषि कानून के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में कृषि कानून बताकर किसानों को लुभाने के लिए किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मऊ जिले से की जा रही है, जो सोनीधापा के मैदान से 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेगा, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया। वहीं ट्रैक्टर रैली को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले में संयुक्त किसान मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत मऊ जिले से की गई। यह 500 ट्रैक्टरों की रैली सोनीधापा मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले लघु सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफ करने का काम किया था। इस पूरे मामले में सीओ सिटी ने बताया कि किसान मोर्चा के लोगों द्वारा 500 ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जो सोनीधापा मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी, जिसको लेकर जगह जगह पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश आज से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। इसका उद्घाटन, शुभारंभ, प्रारंभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से हो रहा है। किसानों का उत्थान का प्रतीक है ट्रैक्टर, उनके शौर्य का प्रतीक है ट्रैक्टर, उनके प्रगति का प्रतीक है ट्रैक्टर। इसलिए किसान मोर्चा किसानों को संदेश देने के लिए कि हमें शौर्यशाली बनना चाहिए, प्रगतिशाली बनना चाहिए, उन्नति अपना करना चाहिए, इसलिए किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में सभी जिला जनपदों में, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक विशाल किसान ट्रैक्टर रैलियां अलग अलग तिथियों में निकाली जाएगी, जिसका उद्घाटन जनपद मऊ से हो रहा है और समापन जनपद बिजनौर में 30 तारीख को होगा। क्या लगता है कि हमारा यह स्पष्ट कहना है कि किसानों के बीच कोई नाराजगी नहीं है। यह किसान आंदोलन नाम का जो मायाजाल का भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको न तो किसानों का समर्थन प्राप्त है, न जनता का समर्थन प्राप्त है। यह कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो इस सरकार से हमेशा पराजित हुए हैं। विपक्ष के लोग जो 4 सालों तक आइसोलेशन सेंटर में रहने काम किए हैं, जो मुद्दा विहीन थे, जो 4 वर्षों तक जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आए, ऐसे लोग किसान आंदोलन के नाम पर उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिसको प्रदेश की जनता ठीक से जानती है, समझती है। इसीलिए किसान आंदोलन को जनता का किसी भी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप लोग बहुत दिनों से कवर कर रहे होंगे, जैसे निरंकारी एक संगठन, जैसे जय गुरुदेव है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तो सबका अपना संगठन है, अपने पदाधिकारी हैं। तो जो किसान आंदोलन के नाम पर धरने बैठे लोग किसान हैं, लेकिन किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, न कि आम किसान हैं। आम किसानों का किसी भी प्रकार का समर्थन किसान आंदोलन को प्राप्त नहीं है। ट्रैक्टर रैली देखिए, मैं 5-7 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, अभी तक केवल 2 ही ट्रैक्टर रैलियाँ निकली हैं इस साल। एक ट्रैक्टर रैली तिरंगा को अपमान करने के लिए दिल्ली लाल किला को गया था, जो भारत के मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया था, तिरंगा को अपमानित किया था। और एक हमारी ट्रैक्टर रैली निकल रही है, जो भारत को विश्व का नेता बनाने के लिए संकल्प लेकर निकल रही है। कौन रोका है? यह देश बृहद लोकतांत्रिक, नहीं 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 नहीं
यह देश बृहद लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, कोई भी आदमी कोई भी। बांसडी विधानसभा से भाजपा नेता अजय शंकर पांडे कनक ने सपा नेता अखिलेश यादव से कहा कि गाजीपुर से लखनऊ विजय रथ यात्रा पहुंचने पर योगी जी के एक्सप्रेस वे का अनुभव अखिलेश यादव मीडिया से जरूर बताएं। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस तो पूर्वांचल के लोगों के लिए बना है, पर सबसे पहले एक्सप्रेस वे का फायदा अखिलेश यादव उठाने जा रहे हैं। भाजपा नेता अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी और मोदी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए विकास पथ बनाया है, पर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालकर लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का रास्ता तय करेंगे। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, जिनके बदौलत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और जहाँ तक होड़ लगी हुई है लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि कल मोदी जी और योगी जी ने उस सड़क का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, और आज अखिलेश यादव जी उस पर आ रहे हैं उसका श्रेय लेने के लिए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि योगी और मोदी जी को कि पूर्वांचल के लोगों से पहले, अगर सबसे पहला अगर कोई श्रेय लेने आ रहा है तो सपा के लोग आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं उस रोड का। मैं तो उनसे यह कहना चाहूँगा कि वो मीडिया वालों को एक बार ज़रूर चल के बताएं, जाने के बाद वहाँ से जब यहाँ से लखनऊ पहुँचे तो एक बार मीडिया वालों से यह ज़रूर बताएं कि हमारी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसको योगी जी ने बनवाया है, मोदी जी ने बनवाया है, उसका अनुभव कैसा रहा, कितना बढ़िया अनुभव उनके पास रहा, वो ज़रूर एक बार मीडिया वालों से बताएं। वैसे हमारे नज़र में तो ऐसा लगता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि मैं खुद ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में 10 साल काम किया हूँ, और मैं जानता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बेहतर रोड पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।